मित्रों, हमारे जीवन में जो हमारा अनुभव होता है, हमें किसी भी व्यक्ति को किसी भी परिस्थिति को जज करने में सबसे ज़्यादा निर्णायक सिद्ध होता है। लेकिन कितनी बार एक अनुभवी व्यक्ति भी किसी को जज करने में काफ़ी गलतियां कर देता है। आज की इस कहानी में हम जानेंगे कि किसी भी व्यक्ति को हमें कैसे जज करना चाहिए। यह कहानी एक ऐसे राजा की है जो बहुत बड़े राज्य के राजा थे। वह बहुत बुद्धिमान राजा थे और आसपास के छोटे बड़े राज्यों के राजा उनसे अपनी समस्या का हल पूछने के लिए आते थे। वह अपने राज्य की जनता में बहुत लोकप्रिय थे। राजा के तीन पुत्र थे। तीनों पुत्र बड़े ही समझदार और होनहार थे। एक बार राजा ने अपने तीनों पुत्रों की परीक्षा लेनी चाही और उनके लिए काम सौंपा और साथ में कुछ शर्तें भी लगाई। वो बोले, तुम तीनों को अपने राज्य में किसी एक पेड़ को ढूंढना है और उसके बारे में सारी सही जानकारी आकर के बतानी है कि वह पेड़ कैसा था, उसके बारे में संपूर्ण जानकारी बतानी है। और तीनों को एक शर्त भी दे दी, तुम्हें यह पेड़ 4 महीने के अंतराल में ही देख कर आना होगा। यानी अगर किसी एक ने उस पेड़ को देख लिया तो दूसरा राजकुमार उसके 4 महीने बाद ही उस पेड़ को देख सकता है। राजा ने आखिर में उस पेड़ का नाम भी बता दिया, जो उस राज्य में केवल एक ही पेड़ था। वह पेड़ नाशपाती का था। तीनों लड़कों में से सबसे बड़ा लड़का उस नाशपाती के पेड़ को ढूंढने के लिए चल दिया। वह पेड़ राज्य में एक ही था, इसलिए पेड़ को ढूंढने में काफी समय लगा। वह लोगों से पूछकर उस नाशपाती के पेड़ को ढूंढने में सफल हो गया। वह पेड़ उसको अपने महल से कुछ दूर तो उसे वह नाशपाती का पेड़ मिल गया। उसने नाशपाती के पेड़ का निरीक्षण किया। वह बिल्कुल सूखा हुआ था। उस पर ना तो पत्ते थे ना फल ही थे। लड़का सोचने लगा कि यह भी कोई देखने लायक पेड़ है। पिताजी ने मुझे इसको देखने के लिए कहा है, जिस पर ना कोई पत्ता है ना फल है। अब राजा का बड़ा लड़का नाशपाती के पेड़ को देखकर वापस अपने महल आ गया और राजा के पास जाकर लड़के ने कहा, पिताजी मैं उस पेड़ को देखकर आया हूँ जिसको देखने के लिए आपने कहा था। आप कहें तो उसके बारे में मैं आपको कुछ बताऊं। राजा ने कहा कि अभी आप अपनी जानकारी अपने पास ही रखो, समय आने पर तुमको सब कुछ बताने का मौका दिया जाएगा। 4 महीने बीत चुके थे। अब बारी बीच वाले लड़के की थी। वह भी पेड़ की तलाश में चल दिया। लोगों से पूछते हुए कुछ दिनों बाद ही उसे नाशपाती का पेड़ मिल गया। अब नाशपाती के पेड़ पर कुछ हरे पत्ते थे लेकिन कोई फल नहीं था। वह पेड़ को देखकर वापस अपने महल में आ गया। लड़का राजा के पास गया और राजा ने उससे चुप रहने के लिए कहा। 4 महीने और बीत चुके थे। अब सबसे छोटे लड़के की बारी थी। सबसे छोटा लड़का भी पेड़ की तलाश में निकल पड़ा। कुछ दिनों के बाद उसे भी वही नाशपाती का पेड़ मिल गया। उसने पेड़ का ध्यान से निरीक्षण किया और सोचने लगा कि कितना अच्छा पेड़ है, इस पर कितने सारे फल लगे हुए हैं। यह देखकर लड़का अपने महल के लिए वापस चल दिया। अपने महल में आकर पिताजी के पास गया और कहा कि मैं उस नाशपाती के पेड़ को देखकर आया हूँ, आप कहें तो मैं उसके बारे में बताऊं। राजा ने अपने तीनों बेटों को एक साथ बुलाया, उस पेड़ के बारे में अपनी अपनी जानकारी बताने को कहा। सबसे पहले बड़े लड़के ने बताना शुरू किया। उसने कहा, पिताजी आपने कौन सा पेड़ देखने के लिए भेजा था? कोई अच्छा सा पेड़ देखने के लिए कहते तो अच्छा होता। वह भी कोई देखने लायक पेड़ था। उस पेड़ पर ना तो कोई पत्ता था ना कोई फल था। इतने में बीच वाले लड़के ने जवाब दिया, ऐसा नहीं है, उस पेड़ पर हरे भरे पत्ते थे लेकिन हाँ कोई फल नहीं था। इतना सुनकर छोटे लड़के ने कहा कि आप दोनों झूठ बोल रहे हैं, उस पेड़ पर पत्ते भी थे और फल भी थे। वह बहुत अच्छा पेड़ था और उस पर बहुत फल लगे थे। अब तीनों पुत्रों में अपनी बात सही साबित करने के लिए बहस होने लगी। आसपास खड़े लोग भी राजा के लिए कहने लगे कि ये कैसा राजा है, इसने अपने लड़कों में ही लड़ाई करवा दी। अब राजा ने अपने तीनों पुत्रों को शांत रहने के लिए कहा और उनको समझाया कि आप तीनों ही सही कह रहे हैं और बिल्कुल ही सच बोल रहे हैं, क्योंकि आपने उस पेड़ को 4 महीने के अंतराल में देखा था। उस अंतराल में उसमें बदलाव आ गए थे। वह पतझड़ था तो उसमें पत्ते नहीं थे। कुछ दिन बाद उस पर पत्ते आ गए और कुछ दिन बाद जब फल का समय आया तो उस पर फल भी लग गए। इतना कहकर राजा ने कहा, इस काम को मैंने इसलिए चुना था कि तुम्हें 3 जरूरी बातों का पता चल सके जो तुम्हारे जीवन में बहुत काम आएंगी। ये 3 जरूरी बातें सुनने के लिए आप भी ध्यान देना दोस्तों। पहली सबसे जरूरी बात थी कि कभी भी किसी को एक बार देखकर जज नहीं करना चाहिए। दोस्तों, ये हमारी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती होती है कि हम किसी भी चीज को सिर्फ एक बार देखकर जज कर लेते हैं, उसके बारे में राय बना लेते हैं कि यह चीज अच्छी है यह चीज बुरी है। हो सकता है कि उस समय उसका खराब समय चल रहा हो और वक्त सही आने पर सब कुछ ठीक हो जाए। जैसे पेड़ पर पहले कुछ नहीं था और वक्त आते ही उस पर फल भी लगने लगे थे।
ऐसी गलतियां प्राय हम कर देते हैं, इसलिए किसी भी व्यक्ति को एक बार में बिना जांचे परखे उसके बारे में हमें अपनी राय नहीं बनानी चाहिए। दूसरी और महत्वपूर्ण बात मित्रों, चाहे वो इंसान हो या कोई भी चीज, उस पर तब तक फैसला न लें जब तक आपको उसके बारे में पूरी जानकारी न हो। जैसे पेड़ के बारे में किसी को भी पूरी जानकारी नहीं थी तो कोई भी अपनी बात सही साबित नहीं कर सका। मित्रों, तीसरी और सबसे महत्वपूर्ण बात है कि पेड़ की ही तरह इंसान भी हर समय एक जैसा नहीं रहता। जैसे पेड़ पतझड़ में सूख जाता है और सावन में फिर से हरा भरा हो जाता है और समय आने पर फल भी देता है, उसी प्रकार व्यक्ति के जीवन में भी उतार चढ़ाव आते रहते हैं। कभी परेशानी है, कभी दुख, तो कभी सुख भी आता है। इसलिए परिस्थिति के कारण किसी को भी कुछ भी भला बुरा कहना अच्छा नहीं होता। आशा करता हूँ दोस्तों आप अपनी जिंदगी में इन तीन महत्वपूर्ण बातों पर अवश्य ध्यान देंगे और अपनी जिंदगी में इनको अवश्य अपनाएंगे। आपको हमारी वीडियो कैसी लगी हमारे कमेंट बॉक्स में अवश्य बताइएगा। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। अंत में दोस्तों, मस्त रहिए, व्यस्त रहिए और स्वस्थ रहिए। जय हिंद दोस्तों।